पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की न्यू इलेक्शन एग्जीक्यूटिव कमेटी की पहली बैठक 16 मई को मुरादाबाद क्लब में प्रेसिडेंट नवेदुर रहमान की अध्यक्षता और महासचिव अवधेश अग्रवाल के संचालन में संपन्न हुई, जिसमें 2 दर्जन से भी अधिक कार्यकारिणी सदस्य ने भाग लिया। बैठक के बाद बैठक के विषय में जानकारी देते हुए एसोसिएशन के महासचिव अवधेश अग्रवाल ने बताया कि अगली रणनीति तैयार की गई है। इस अवसर पर अध्यक्ष नवेदुर रहमान और महासचिव अवधेश अग्रवाल के साथ साथ उपाध्यक्ष प्रथम शरद बंसल, उपाध्यक्ष तृतीय अनुशेष सिंह, डॉक्टर हामिद जुनेजा, हेमंत जुनेजा, अरविंद बडेरा, तनवीर बारी, हाजी इफ्तखार अली, मोहम्मद साजिद, रचित अग्रवाल, रवि अरोरा, आलोक गांधी, नीरज गुप्ता भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय बात यह रही कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में अब्दुल अजीम गुट के जो 3 ऑफिस बेरर्स और 6 कार्यकारिणी सदस्य चुने गए हैं, उनमें से कोई भी इस बैठक में नहीं पहुंचा। ये अलग बात है कि उनके न आने से कोई फर्क बैठक में यूं नहीं पड़ा, क्योंकि बैठक में 25 में से 14 पदाधिकारी मौजूद थे। एक जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी मानसरोवर पैराडाइज में, उसके जो मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट थे वो पास करने थे, उस सर्वसम्मति से हमारे हाउस ने पास कर दिए। दूसरा, जो नई कार्यकारिणी चुनी गई है उसके बैंक अकाउंट में साइन जाने थे और चेंज होने थे, वो भी सर्वसम्मति से हमारी कार्यकारिणी ने पास कर दिया। हम चाहेंगे कि इस पवित्र महीने में रमजान मुबारक के अल्लाह ताला सबको बहुत भरपूर कारोबार दे और उनकी परेशानियां ख़त्म करे और सब लोग खुशी और अमन के साथ अपनी ईद तक पहुँचें और ईद को मनाएं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।